Hello dear student, so welcome back in the next question. So in this question, the question has been asked in the JEE Main 2015. इसमें question था negation of this statement is equivalent to. Again हम वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, बोल रहा है कि इसका negation. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस statement का equivalent set theory या set equation लिखूँगा. आप कैसे जानते हैं, लॉजिक के ऑपरेटर को सेट के ऑपरेटर में कन्वर्ट किया जा सकता है. लॉजिक ऑपरेटर को एंड को सेट में इंटरसेक्शन से, आर को यूनियन से और नॉट को बार से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब इस स्टेटमेंट का अगर सेट रिप्रेजेंटेशन लिखा जाए तो ये देखिए क्या लिखा है, निगेशन एस यानी कि एस का बार, आर मतलब यूनियन, तो मैं यूनियन लिख दूंगा. अब ये बॉक्स जो लिखा है इसको देखिए, इसमें लिखा है निगेशन ऑफ एस आर यानी कि आर का बार, एंड एंड मतलब इंटरसेक्शन एस, और इन सब का बार बोला है क्योंकि ये निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट बोला है, तो इसका पूरे का नॉट, इसका इक्विवेलेंट आपसे पूछ रहा है. बस बहुत ही सिंपल है, इस क्वेश्चन में कितने वेरिएबल है, टोटल दो वेरिएबल है, आर और एस. इसके लिए मैं फिर से वेन डायग्राम बनाऊंगा, उसका मैं लिखूंगा ये हमारा आर है और ये हमारा ऐसे नंबर डाल देता हूँ 1, 2, 3 और 4. ध्यान से देखिएगा, अब ये बोल रहा है कि S का बार, S में जो नहीं है, S को बंद किया जाए तो बाहर क्या है 2 और 4, तो ये जाएगा 2, 4 का यूनियन. अब इस पर ध्यान देते हैं, इस वाले ब्रैकेट पे, तो इस वाले ब्रैकेट में देखेंगे तो R का बार, जो R के बाहर है, तो R के बाहर क्या है, R को बंद किया क्या दिखेगा 3 और 4, तो ये हो जाएगा 3, 4 इंटरसेक्शन एस, एस में क्या है 1 और 3, तो यहाँ लिख देंगे 1 और 3, बंद हो जाएगा. और याद रखिएगा इन सब के ऊपर बार है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर बार लगेंगे, उसको बाहर कर लेंगे. ध्यान सुनिएगा, तो 2 और 4 ये हमारा हो गया यूनियन, इधर देखिए 3, 4 और 1, 3, इसका क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन, तो 3 हो जाएगा. तो इसका जब यूनियन करूँगा मैं तो क्या आएगा 2, 3, 4, समझ में आ रहा है. कह रहा मैंने करा क्या है, एस का बार है यानी एस के बार, एस को बंद किया तो बाहर क्या है, एस को पूरा बंद किया तो बाहर क्या 2, 4, तो यहाँ पर आ गया 2, 4 यूनियन, ये यूनियन. आर का बार, आर के बाहर, आर को बंद किया तो 3, 4 आ गया, तो 3, 4 इंटरसेक्शन, क्योंकि यहाँ पर देखिए एंड था तो इंटरसेक्शन एस, एस में क्या है 1 और 3, तो 1 और 3 इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों में कॉमन है 3 तो 3 ले लिया, इन दोनों का यूनियन लिया तो 2, 3, 4 हो गया. अब याद रख, आपको याद रख, मतलब बोल रहा था मैं, याद रखना है कि ये जो भी आएगा इसके बाहर का याद रखिएगा. तो 2, 3, 4 का नॉट निकालना था आपको, तो 2, 3, 4 का नॉट क्या है 1, तो यानी क्या आ जाएगा 1, मतलब समझ रहे हो ना, नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब होता है 2, 3, 4 को छोड़ के बाकी सब कुछ, तो 2, 3, 4 को छोड़ के क्या बचा 1 बचा, तो इसलिए मेरा 1 आ गया. इसका मतलब क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट हमारा स्टेटमेंट आएगा 1. अब ये आप सब देखते हो, ये है क्या, ये 1 है क्या, R इंटरसेक्शन S, या इसको बोल सकते R एंड S. देखिए ऑप्शन में R एंड S कहाँ है, यस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. सिंपल है, ठीक है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये चैनल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज.